फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तुरई बनाने का बिल्कुल सही तरीका। क्योंकि इस सब्जी में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे थोड़ा पकाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको तुरई बनाने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी और तुरई बहुत जल्दी से झटपट और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, तुरई को दो तरीके से छीला जा सकता है। एक तो ये तरीका है कि आप छुरी की मदद से तुरई को इस तरह से खुरच लीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि पीलर की मदद से बहुत हल्के हाथ से बिल्कुल पतला पतला तुरई का छिलका उतार लें। और तुरई को छीलने के लिए इस तरह पीलर का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपके घर में जिस तरह से छीली हुई तुरई पसंद की जाती है, उस तरीके से तुरई को छील लीजिएगा। अब मेरे घर में इस तरीके से छिली हुई तुरई पसंद की जाती है, तो मैं तमाम तुरई को इस तरह पीलर की मदद से हल्के हाथ से छील लूँगी। ये तुरई मैंने तकरीबन 1 kg ली है। तुरई को छीलने से पहले मैंने तुरई को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। फ्रेंड्स, ख्याल रहे कि तुरई की कटिंग के बाद तुरई को बिल्कुल भी नहीं धोना। फ्रेंड्स, तुरई आपको जिस शेप में कट करना अच्छा लगता है आप कट कर लीजिएगा, लेकिन बहुत बेहतर है कि इस तरह राउंड और पतले स्लाइसेस में कट करें तो ज़्यादा बेहतर है। फ्रेंड्स, इस सब्जी को कुछ लोग तुरई कहते हैं और कुछ लोग तोरी कहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस सब्जी को तुरई कहते हैं या फिर तोरी कहते हैं। तमाम तुरई को मैंने बहुत अच्छे से कट कर लिया है। मैं सब्ज़ी सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 cup मस्टर्ड ऑयल पैन में शामिल किया है। मस्टर्ड ऑयल को तेज़ गर्म करना है, जब तेज़ गर्म हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर देना है और 3 से 4 मिनट ऑफ फ्लेम पर ऐसे ही रहने देना है, और फिर फ्लेम ऑन करके अज़ा शामिल करने हैं। 1/2 teaspoon सफ़ेद ज़ीरा और 4 अदद कश्मीरी लाल मिर्ची शामिल की हैं, और इस वक्त फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है, और ये 1/2 teaspoon बिल्कुल बारीक क्रश किया हुआ अदरक और 1/2 teaspoon ही बिल्कुल बारीक क्रश किया हुआ लहसुन। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है इसी तरह से क्रश किया हुआ लहसुन अदरक का इस्तेमाल करें। लो फ्लेम पर लहसुन अदरक का कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। अब इसमें ये 1 दरमियानी प्याज बारीक कटी हुई शामिल की है। अब मीडियम फ्लेम पर प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को बस इतना ही फ्राई करना है। अब इसमें ये मैं 2 दरमियाने टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए शामिल कर रही हूँ। अब इसमें चंद मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 teaspoon देगी लाल मिर्चें, 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 teaspoon नमक, 1 teaspoon धनिया पाउडर और 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर। अब इन तमाम अज़ा को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब पैन को कवर करके लो फ्लेम पर टमाटर बहुत अच्छे से नरम हो जाने तक पकाना है, और बीच बीच में चेक करते हुए 1 से 2 बार चमचा चला लेना है। टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं। टमाटर को मैंने 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। अब इस तरह टमाटर को मैश करते हुए मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं मसाले से ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट होने लगा है और मसाले में मौजूद मॉइस्चर भी खत्म हो गया है। तुरई बनाने के लिए ऐसे ही ड्राई मसाला दरकार है। इसमें ये 1 teaspoon कसूरी मेथी और 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल की हैं, और साथ ही तुरई भी शामिल कर देते हैं। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मसाले में तुरई को इतना भूनना है कि तुरई अपना पानी छोड़ने लगे। आप देख सकते हैं तुरई काफ़ी नरम सी हो गई है और इसने काफ़ी हद तक अपना थोड़ा बहुत पानी भी छोड़ दिया है। मैंने तुरई को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट भूना है। अब पैन को कवर कर देना है और लो फ्लेम पर तुरई को पकने देना है, और बीच बीच में 2 से 3 दफ़ा चेक कर लेना है कि कहीं तुरई लग ना जाए। फ्रेंड्स, मैंने तुरई को 10 से 12 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर पकाया है। तकरीबन 95% तुरई गल चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी पानी बाकी है। तो बस जितना पानी तुरई में बाकी है मीडियम फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए पानी खुश्क होने तक तुरई को भून लेना है।
फ्रेंड्स, तुरई में अपना ही इतना पानी होता है कि इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुरई अपने ही पानी में बहुत अच्छे से पककर तैयार हो जाती है। तुरई को बहुत अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं हल्का सा ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया शामिल करना है और पैन को कवर करके तकरीबन 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर पकाना है ताकि ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाए। ये हमारी बहुत मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट तुरई की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ और चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरखान हलाल रिस्क से वसी से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।